हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस क्लास 8, चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, सेल नाम आपने कहाँ पर सुना है? सेल हमने सुना है एक जेल की सेल में टॉम अंकल बंद थे। तो फिर ये सेल मतलब होता है, हमको हमारे मन में ये आइडिया आता है कि एक छोटा सा कमरा जिसका एक सेपरेट बाउंड, अपना ही एक बाउंड्री हो और वो दूसरों से अलग हो, यही होता है सेल। तो फिर इसे चैप्टर में ये सेल क्या है, आइए हम जानते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आपको ये पता है कि हमारे चारों ओर जो चीजें दिख रहा है या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे भी कहते हैं उसका कुछ बेसिक फंक्शंस होता है, जैसे कि वो उसका खाना डाइजेस्ट होना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, यानी कि वो खाना खाता है, उसका ग्रोथ होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे रिप्रोड्यूस करता है, और फिर वो सोता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऐसे कुछ बेसिक फंक्शंस होता है। तो कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? ये फंक्शंस हमने अभी अभी लिस्ट किया। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। तो फिर इसी सारे काम करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इसी सारे काम करने के लिए एक सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। सेट ऑफ ऑर्गन्स मतलब क्या? जैसे हमारे डाइजेशन के लिए सिर्फ किसी एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, हमारे माउथ से लेकर इसोफागस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस से लेकर ऐसे एक सीरीज ऑफ ऑर्गन्स एक के बाद दूसरा तो अपना कार्य परफॉर्म करते हैं। तो फिर इसी को कहते हैं सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। ऐसे अगर हम ब्लड सर्कुलेशन बोले तो हमारे हार्ट, वेन, आर्टरी, ये सारे इन्वॉल्व है। तो फिर इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। हमको पता चला ऑर्गन क्या है, तो फिर ये हार्ट हुआ, स्टोमैक हुआ, ये सब एक एक ऑर्गन है। तो फिर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, तो इसी सारे ऑर्गन को बनाने वाले बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट व्हिच इज द सेल, वो कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे एक घर को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हम ये पता करने के लिए हम इसको तोड़ देंगे, तो तोड़ते जाएंगे लास्ट को हमको मिलेगा एक ईंट। तो ये घर जो है, ये इतना बड़ा बिल्डिंग, ये बना है ईंट से, ब्रिक से। तो फिर ऐसे ही है हमारे ये ऑर्गन बनाने के लिए, हमारे ये बड़े बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको किसने, कब, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, किसने इसका डिस्कवर किया था। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, देखो यही बात आ गया, सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, ये ईंट के साथ उसको तुलना किया जाता है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग, तो सारी ब्रिक्स को एक के ऊपर एक दूसरा रख के उसको अरेंज करके कितना बड़े बड़े इमारत, अपार्टमेंट सारे बन जाता है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही छोटी छोटी सेल से ही बना है हमारा ये शरीर। डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो फिर इसी सेल का डिस्कवरी कौन कब किए थे? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क का एक स्लाइस, छोटा सा स्लाइस, पतला स्लाइस लेकर, तभी तो हमारा ये माइक्रोस्कोप का उद्भावन नहीं हुआ था, इसीलिए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से उन्होंने देखा था कि कॉर्क की जो पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री, ये कॉर्क क्या है आपको पता है? ये हमारे ट्री का बार्क का एक पीस है। तो फिर ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप, उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। अच्छा, तो सिंपल सा, तभी तो इतना हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप नहीं होगा, फिर वो उन्होंने देखा था। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस, उन्होंने जो देखा था
वो उसको बॉक्सेस बोले थे, पार्टीशन बॉक्सेस, यानी कि बॉक्स जो कि एक दूसरे से अलग हुए थे, पार्ट पार्ट हुए थे, पार्टीशन हुए थे, और वो कंपार्टमेंट लाइक बोल के वो वर्णना किए हैं। दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक ए हनी कम, जैसे एक हनी कम होता है, आप देखिए उसमें कैसे सेल्स कमरा कमरा सब एक के साथ दूसरा चिपक के बहुत सारे कमरे जैसे दिखते हैं ना दूर से देखो तो फिर ऐसे हनी कम जैसे स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा था। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई ए वॉल और पार्टीशन, तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से पार्टीशन एक वॉल के द्वारा अलग हुआ था। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, तो ईच बॉक्स को उन्होंने एक नाम दिया, किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने नाम दिया इस बॉक्स को सेल कहा। तो व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कार्क वेयर एक्चुअली डेड सेल्स, जो मिस्टर हुक ने ऑब्जर्व किए थे वो एक्चुअली लिविंग सेल नहीं थे, वो डेड सेल थे। तो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, तो लिविंग सेल हम कब देखे थे, बहुत दिन बाद, जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तभी जाकर लिविंग सेल को देखा गया था। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के 150 ईयर्स बाद ही अच्छी तरह ये सेल के बारे में बहुत सारी बातें पता चला था, ईयर्स आफ्टर हुक्स ऑब्जर्वेशन। तो टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज, पर आज हमको सेल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सब के बारे में बहुत कुछ पता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, क्योंकि आजकल के जो माइक्रोस्कोप है बहुत इम्प्रूव्ड है, उनका हाई मैग्निफिकेशन पावर है, इसीलिए और भी डिटेल में हम जानने लगे हैं। 8.2 द सेल, बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, तो चाहे एक बिल्डिंग के लिए एक ब्रिक हो या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल हो, इसी को हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि जिससे वो बना है। ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट कहा है, पर इसका और भी डेफिनेशन है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइंस शेप्स एंड साइजेस, सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनादर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, जैसे ब्रिक्स का अलग अलग डिफरेंट डिजाइंस होता है, शेप और साइजेस होता है, ऐसे सेल भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, पर ये सेल जो है ये लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह नहीं होते हैं, सेल से लिविंग स्ट्रक्चर है। तो फिर ये है कुछ फिगर इधर दिया गया है, द एक्स ऑफ ए हैंड रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल, तो कौन सा सेल हम देखे हैं और बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, वो है हैंड का एग, और ये हैन का एग जो है ये एक सिंगल सेल है, कितना बड़ा है, और ये इतना बड़ा है कि हम बिना माइक्रोस्कोप के भी इसको देख सकते हैं। 8.3 ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल, वैज्ञानिक लोगों ने इसको लिविंग सेल को कैसे ऑब्जर्व किया और स्टडी किया, दे यूज माइक्रोस्कोप्स व्हिच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखें तो वो मैग्निफाई होके बड़ा सा दिखता है। तो स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, इसीलिए सेल को डाई करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है, तभी जाकर उसकी अलग अलग पार्ट अच्छी तरह डिटेल में स्टडी हो पाता है। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और सबके सेल का साइज अलग अलग होता है, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन साइज शेप एंड नंबर्स ऑफ सेल्स, तो फिर अलग अलग ऑर्गन में नंबर्स ऑफ सेल अलग अलग होते हैं और सेल का साइज और शेप भी अलग होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, आइए कुछ ऐसे के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट,
क्या आप एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष में या फिर एलिफेंट जैसे एनिमल में कितने सारे नंबर सेल है इसका काउंटिंग कर पाएंगे? तो द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अरे ये तो बिलियंस ट्रिलियंस में हो जाएगा, यानी कि हमारे काउंटिंग के बाहर हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स व्हिच वेरी इन सेल्स एंड साइजेस। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात देखें, यहाँ पर तो ट्रिलियंस में सेल्स निकलेंगे, पर वही एक ही शरीर में अलग अलग शेप का साइज का सेल्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ऐसे ग्रुप ग्रुप करके सेल्स हैं जो कि एक एक ग्रुप एक एक फंक्शन करते हैं। ए बिलियन इज ए थाउजेंड मिलियन, ए ट्रिलियन इज ए थाउजेंड बिलियन। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर और मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम मोर देन वन सेल, मल्टी मीन्स मेनी और सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि जिस ऑर्गेनिजम मोर देन वन सेल से बना है उसे मल्टी सेलुलर, जैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मल्टीप्लेक्स, आप सुने हैं मल्टी सेलुलर बिल्डिंग। मल्टी मतलब होता है मेनी। तो द नंबर ऑफ सेल्स बींग लेस ए इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। चाहे ज़्यादा हो या ज़्यादा सेल हो या कम सेल हो, ऑर्गेनिजम के फंक्शनिंग में कुछ कमी नहीं आता। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिजम विथ बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल व्हिच इज द फर्टिलाइज एग। अभी जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो प्राणी बिलियंस ऑफ सेल्स में बना है उसका जीवन भी एक सिंगल सेल से तो ही तो शुरू होता है, जैसे एक फर्टिलाइज्ड एग वो सिंगल सेल ही तो है। तो द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसेस। तो फिर एक फर्टिलाइज्ड एग सेल वो मल्टीप्लाई होता है, उसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होके जैसे ही उसका डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ता है। लुक एट फिगर 8.3 में आप देखिए ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल। द सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ये हम देखेंगे 8.3 में ए और बी में। तो फिर ये दोनों है एमीबा और पैरामीशियम। तो फिर ये दोनों सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल, इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो फिर ये चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ये दोनों सेम ही फंक्शन करते हैं। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो फिर ये वही सारे काम करते हैं कि एमीबा सिंगल सेल होकर भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ वही रिप्रोड्यूस करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, वो सारे सेम काम होते हैं। टीचर आपको एमीबा और पैरामीशियम का माइक्रोस्कोप में एक परमानेंट स्लाइड आपको दिखा देंगे। अल्टरनेटली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिजम्स बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। वो आपको इसका स्लाइड प्रिपेयर करके दिखा देंगे। शेप ऑफ सेल्स, रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ एमीबा इन द फिगर? आप एमीबा को सबको कैसे आप दिखाएंगे? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। इन फैक्ट एमीबा हैज नो डेफिनेट शेप। एमीबा का शेप जो है वो इरेगुलर शेप है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वो अपना शेप बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। उसका बॉडी से अलग अलग लेंथ का प्रोट्रूडिंग वो निकलता रहता है। और दीज आर कॉल्ड सीरोपोडिया, उसे कहते हैं सीरोपोडिया। सीरो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब फिट, यानी कि उसके शरीर से ये फॉल्स फिट निकलता रहता है, इसीलिए उसका बॉडी का शेप भी चेंज होता रहता है। एज यू लर्न इन क्लास 7th दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज एमीबा मूव्स और फिट्स। तो फिर जब भी वो खाने के लिए निकलता है या फिर कहाँ पर चलने के लिए निकलता है, मूव करता है, उसी टाइम उसका ये जो प्रोजेक्शन सीडोपोडिया है ये अपीयर करता रहता है और डिसअपीयर करता रहता है।
The change in shape is due to formation of pseudopodia, which facilitates movement and help in capturing food. ये सीडोपोडिया की वजह से वो मूव कर पाता है और क्या कर पाता है, वो अपना फूड को कैप्चर भी कर पाता है. ए व्हाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप. तो फिर जैसे अमीबा है, ऐसे और एक ब्लड और एक सेल है व्हाइट ब्लड सेल जो कि WBC, वो भी अपना शेप को चेंज कर पाता है. पर WBC एक सेल है और अमीबा एक फुल फ्लैजेड ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स. तो फिर जिनके शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनका शेप के बारे में आप क्या सोचे हैं. फिगर 8.4 ABC में ये दिखाता है कि डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड मसल एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स उनका सब का शेप अलग अलग होता है. द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. इनके काम भी अलग अलग होते हैं और इनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं. हम नीचे ये सब देखेंगे कि जनरली सेल्स आर राउंड स्फेरिकल और एलंगेटेड. जनरली सेल जो है ये राउंड हो सकता है, स्फेरिकल या फिर एलंगेटेड यानी कि लंबे जैसे हो सकता है. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. दे एग्जिबिट ए स्पिंडल शेप. सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग. सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन. द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस. ये देखिए सारे प्रकार सेल. ये है ये जो रेड रेड है ये ब्लड सेल है. स्पिंडल शेप का जो दोनों की ओर टेपरिंग पॉइंटेड है ये मसल सेल है. और ये जो ब्रांच्ड हुआ है ये न्यूरॉन नर्व सेल है. तो नर्व सेल का काम क्या है, ये मैसेजेस को रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है. दे आर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसे सबसे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि आप ये करो आप ये नहीं करो. इसे मैसेजेस इधर उधर भेजना जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में होता है ना, यही सब काम ये करता है. कैन यू गेस व्हिच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप. तो ये सेल को शेप कौन देता है. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन. तो सेल का जो सारे कंपोनेंट्स एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो फिर यही सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लांट और एनिमल की सेल को शेप देता है. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. और सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक एक्स्ट्रा एडिशनल कवरिंग है. और ये इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स. तो फिर इससे उसका शेप और भी मजबूत हो जाता है. तो बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज ए सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल का भी एक सेल वॉल होता है. पर हम बाद में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है. इसी हिसाब से प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम पहचान पाते हैं. साइज ऑफ सेल्स. द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर. तो फिर इतना छोटा होता है और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर्स लंबा भी हो सकता है. तो हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल इन द टू द अनएडेड आई. हमारे साधारण आंखों में वो बिना माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हमको साधारण आंखों में ज्यादातर नहीं देखा जाता. और वो बहुत माइक्रोस्कोपिक इन साइज मतलब बहुत छोटा से छोटा होता है, साधारण आंखों में नहीं दिखता. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में इतना छोटा होता है. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है और उसका साइज 170 mm by 130 mm होता है. एक्टिविटी 8.2. बॉयल ए हेंस एग, रिमूव द सेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो अगर आप सेल को निकाल देंगे, बॉयल करके एक हैन की एग को बॉयल करेंगे, उसका सेल निकाल देंगे. ए व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट. बीच में एक येलो पार्ट होगा, एग्जैक्टली बीच में तो नहीं, एक लगभग बीच में एक येलो पार्ट होगा, उसका चारों ओर व्हाइट पार्ट होगा. व्हाइट मटेरियल जो है वो है अल्बुमिन व्हिच सॉलिडिफाइज ऑन बॉयलिंग. ये पहले
लिक्विड स्टेज में रहता है, बॉइलिंग के बाद ये सॉलिड हो जाता है। द येलो पार्ट इज योक, और जो येलो पार्ट है वो योक है। द इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये सारे ये येलो पार्ट हुआ, इसके चारों ओर जो व्हाइट पार्ट हुआ, ये सारे मिलकर सिर्फ एक ही सेल है विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, और हम इसको देख पाएंगे बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, तो फिर कौन सा जीव कितना बड़ा है या फिर प्लांट कितना बड़ा है, इसी हिसाब से उसका जरूरी नहीं कि उसका सेल भी इतना बड़ा होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन ए रैट, ऐसा नहीं है कि रैट का सेल से एलिफेंट का सेल का साइज बहुत बड़ा होगा। द साइज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो फिर उसका फंक्शन के हिसाब से कौन सा सेल का साइज क्या होगा। जैसे न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है नर्व सेल, वो लंबा सा होता है और उसको देख के हमको पता चल जाता है कि ये न्यूरॉन है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स Both in the elephant and rat are long and branched. देखा अभी अभी हमने कहा था, फिर ये इसमें भी आ गया कि जैसे रैट में या फिर एलिफेंट में किसी भी सेल में नर्व सेल मतलब वो लंबा होता है और ब्रांच्ड भी होता है। They perform the same function that of transferring messages. और दोनों में ये नर्व सेल एक ही काम करता है कि ये मैसेज को ट्रांसफर करता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज मेनी ऑर्गन्स। You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. आपने class 7th में digestive system के बारे में पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे organs होते हैं और एक साथ मिलकर वो काम करते हैं। जैसे हमने mouth पे खाया, अपना खाना भरा, तो फिर वो जाकर esophagus को stomach में पहुंच जाता है। mouth में आधा grinding होता है, stomach में आधा grinding होता है, फिर जाकर small intestine में आधा और बाकी पार्ट digestion होता है। इसी से होके digestive system में बहुत सारी ऑर्गन्स एक साथ एकजुट होकर एक के बाद एक काम करते हैं, तभी जाकर हमको पूरा डाइजेस्टेड खाना और उससे ताकत भी मिलता है। तो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो फिर अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम, जैसे डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जब वो टिश्यू को जाता है तो फिर वो ऑर्गन में एसिमिलेशन होता है। तो फिर Similarly, different organs of a plant perform specific or specialized functions. For example, ऐसे plant में भी अलग अलग part अलग अलग function करते हैं। जैसे roots help in the absorption of water and mineral, तो root का काम है water और mineral absorb करके leaf तक पहुंचाना। Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for photosynthesis, synthesis of food. जैसे ही रूट उसको खाना पहुंचा देगा, उसको जल और मिनरल पहुंचा देगा, तो फिर आप उसका काम है उसका कुकिंग करना। फूड सिंथेसिस तो लीव्स में होता है, इसीलिए लीव को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। इच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, इस ये ऑर्गन बना है टिश्यू से। और ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, तो फिर टिश्यू जो है ये कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर सेल्स है और वो सबका काम एक पर्टिकुलर काम होता है, तो फिर वो होता है टिश्यू। पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज व्हिच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो फिर अब हमको पता चला कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, इसी हिसाब से हम देखें तो सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। आइए अब देखते हैं 8.5 पार्ट्स ऑफ द सेल। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो एक सेल का बेसिक कंपोनेंट यानी कि मुख्यतः ये तीन होते हैं। जैसे एक घर का एक बाउंड्री होता है, एक बेडरूम होता है, थोड़ा आंगन होता है, उसी प्रकार का। या फिर एक गोलगप्पा में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन, एक गोलगप्पा में उसका एक कवर होता है, बीच में आलू होता है और आलू और कवर के बीच खट्टा पानी होता है। ऐसे ही है, सेल मेम्ब्रेन हो गया आउटर कवरिंग और न्यूक्लियस हो गया उसका अंदर का आलू मसाला, आलू चने का मसाला, और साइटोप्लाज्म हो गया उसका खट्टा पानी।
है ना, अब याद आ जाएगा कि सेल का स्ट्रक्चर, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल को दूसरा सेल से अलग करता है और सराउंडिंग के मीडियम से भी अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है। पोरस मतलब उसमें वो कुछ चीज को उसके थ्रू से पास करने के लिए अलाउ करता है। सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं उसको। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसे गार्ड होता है अपार्टमेंट में, गार्ड होता है वो क्या करता है, अपार्टमेंट के अंदर के लोगों को बाहर जाने देता है, और बाहर की अगर काम वाली आए, कुछ डिलीवर करने के लिए ऑनलाइन वाला आए, तो फिर वो लोग को अंदर जाने देता है। ऐसे वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड को कंट्रोल करता है। एक्टिविटी 8.3, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन ऑनियन बल्ब। हम ऑनियन बल्ब लेंगे, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, उसका ऊपर का जो ड्राई पिंक कवरिंग उसको निकाल देंगे। यू कैन इजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्रेशली व्हाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। उसका जो फ्रेशली व्हाइट लेयर्स एक पतला सा होता है उसको हम फोर्सेप्स से निकालेंगे, या फिर अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। आप थिन लेयर्स निकाल सकते हैं। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ द थिन ऑनियन पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास ट्यूब, और उसका एक छोटा सा पीस लेकर वाटर में एक ग्लास स्लाइड में एक ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं। द थिन लेयर कैन बी कट इन टू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड और फोर्सेप। तो फिर इसी थिन लेयर को और भी छोटा पीस में हम काट सकते हैं फोर्सेप या फिर ब्लेड के जरिए। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू द लेयर। अब उसके ऊपर हम मिथाइलिन ब्लू ये सोल्यूशन एक ड्रॉप डालेंगे टू द लेयर एंड प्लेस ए कवर स्लिप। और मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप ऐसे देंगे कि जैसे उसमें कोई एयर बबुल ना हो। अब उसको हम ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे हम थ्रू से देखेंगे। ड्रॉ एंड लेवल यू कंपेयर इट विद फिगर 8.5। अब क्या क्या देखिए, हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर ये फिगर हमको 8.5 में देखा गया है, हमको लगभग कुछ ऐसे ही दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कैसे कंपार्टमेंट बॉक्स बॉक्स होके है ना। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक थिक कवरिंग है जो कि सेल वॉल है। सेल वॉल कहाँ पर मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है, और ये रिजिडिटी देता है, मजबूतपन देता है हमारे सेल को। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस कैसे मार्किंग हुआ है। तो फिर ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, और ये जो द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो है साइटोप्लाज्म। हमने बोला था एक गोलगप्पे की एग्जांपल लेकर, तो साइटोप्लाज्म जो है ये उसका खट्टा पानी है, न्यूक्लियस जो है वो गोलगप्पे का आलू मसाला हुआ, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका कवर हुआ। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को एक शेप देता है, डेफिनेट शेप देता है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। ये हमने पहले से आपको बता दिया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, और उसका काम है उसको रिजिडिटी देना। दिस एडिशनल लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। वो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड। ये सेल वॉल का इतने सारे काम है, ये अगर हाई टेम्परेचर हो गया या फिर हाई विंड स्पीड हो गया, एटमोस्फियरिक मॉइस्चर ये सब आदि से उसको बचाए रखता है, ज़्यादा हो कम हो उसी हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। दे आर एक्सपोज टू दिज वेरिएशंस बिकॉज दे कैनॉट मूव। तो उसी में वो एक्सपोज नहीं हो सकते, इसीलिए वो प्रोटेक्ट कर लेता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ
डिस्कंसिया। तो फिर उसी का लीप में हम, उसका लीप बिल में हम ये सब ऑब्जर्व करेंगे। और किस किस का? एलोडिया और रोहिओ के भी लीप में हम ये सब ऑब्जर्व करेंगे। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एच इन द केस ऑफ ओनियन। और अगर हम ओनियन लेंगे तो भी उसका भी एक स्लाइड हम प्रिपेयर कर पाएंगे। पहले आस्क भुजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। उन्होंने कहा ये तो प्लांट सेल की बात गई, क्या अब हम एनिमल सेल भी ऑब्जर्व कर पाएंगे? पहले क्या बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, चलिए एक्टिविटी 8.4, टेक ए क्लीन टूथपिक, एक क्लीन टूथपिक लीजिए और ए मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन, एक मैच स्टिक लीजिए जिसका टिप यानी कि ब्रोकन हुआ हो। तो स्क्रेप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट, आपके चीक के अंदर की ओर से ऐसे करके सेल निकालिए जैसे आपको हॉट भी ना हो और कुछ पतला सा सेल भी निकल आए। प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, जैसे हमने ऑनियन का किया था, अब चीक सेल को भी ऐसा ही करेंगे। ड्रॉप ऑफ वाटर में एक स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे और उसमें ड्रॉप ऑफ आयोडीन, एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन उसमें ऐड करेंगे और उसका एक कवर स्लिप देंगे जैसे कोई बबल्स अंदर ना हो। अल्टरनेटली एड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, और अल्टरनेटली एक दो बूंद मिथाइलिन ब्लू भी उसमें डालेंगे। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रिप्ट मटेरियल, उसी में अब आप बहुत सारे मटेरियल देखेंगे जैसे यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब तो आपको ये सारी दिख जाएंगी। इस सेल वन इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, पर आपको एक चीज नहीं दिखेगा जो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में नहीं दिखता। इसी सेल वॉल के जरिए हम पहचानते हैं कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। तो फिर आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स, तो द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस ये सब और वेरियस अदर कंपोनेंट्स भी देखेंगे जिसके सेल ऑर्गेनेल्स है। और अब सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, और वो क्या क्या है सेल ऑर्गेनेल्स? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गुलगी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब के अलग अलग काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियस, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैसे? इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, लगभग वो सेल के सेंटर में दिखा जाता है और स्पेरिकल होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, आप ए माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो वो अच्छी तरह पता चल जाएगा। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिससे कि वो साइटोप्लाज्म से अलग हो पाता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का जाना आना, मूवमेंट हो पाए, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है। विथ ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर और एक स्मॉलर और स्पेरिकल बॉडी होता है और उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्या होता है उसमें? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्रोमोजोम, और इसी क्रोमोजोम में जीन्स होता है। ये जीन्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या करते हैं? ये हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बाद नेक्स्ट पीढ़ी को, अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स का कैरेक्टर इसी जीन्स के जरिए जाते हैं। जीन्स क्या है? एक एक हमारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक एक जीन होता है। जैसे हमारे आंखों का कलर भूरा होगा या काला होगा, इसके लिए एक जीन्स होगा। हमारा हेयर का कलर डार्क होगा, डार्क ब्लैक होगा या भूरा होगा, ये भी इसके लिए भी एक जीन्स होता है। तो फिर ये जीन्स जो है हमारा कैरेक्टर निर्णायक है और ये पेरेंट्स से बच्चे तक जाते हैं। द क्रोमोजोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोजोम ये सिर्फ सेल डिविजन के टाइम में ही देखने को मिलते हैं।
जीन्स, ये जीन क्या है हम डिटेल में जानते हैं। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस की यूनिट है। जैसे मम्मी और पापा की जीन्स बच्चे में आ जाता है, तो फिर कुछ, इसीलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक मम्मी का और कुछ कैरेक्टरिस्टिक पापा का बच्चे में देखने को मिलता है, ये इनहेरिट होके जाता है। तो इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, नेक्स्ट पीढ़ी। तो फिर दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। इसी हिसाब से पेरेंट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे को पास करते हैं जीन्स के जरिए। इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। पापा का अगर ब्राउन आईज है तो आपका भी ब्राउन आईज होने का चांस है। इफ योर मदर हैज कॉली हेयर यू माइट हैव एंड ऑफ हैविंग कॉली हेयर। आपकी मम्मी का अगर कर्ली हेयर है तो शायद आपका भी कर्ली हेयर हो सकता है। हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसी हिसाब से बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक बनता है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसे इनहेरिटेंस के साथ साथ और ये सेल का एक्टिविटीज भी कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो एक सेल में जितना लिविंग कंटेंट होते हैं वो सबको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इट इंक्लूड्स, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ये कभी कभी बहुत जैसे मेडिकल एंट्रेंस में भी आता है। तो पहली वॉन्ट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो और हायर एनिमल का न्यूक्लियस के जैसा नहीं है। तो फिर कैसा है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होता है बैक्टीरियल सेल में। इसीलिए तो फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो विदाउट बाउंड्री होगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जैसे घर है और उसका बाउंड्री नहीं है, उसी प्रकार का है। या और इसी प्रकार के सेल को जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि थोड़ा लेस डेवलप्ड, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और ऐसे कहाँ पर पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गा, वहां पर ये प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड ऑन द अदर हैंड द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। जैसे ऑनियन सेल हुआ, चीक सेल हुआ, वहां पर न्यूक्लियस का वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पर प्रेजेंट होता है उसी सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्गे के सिवा बाकी सब सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. तो फिर plant cell में क्या होता है, उसका एक बड़ा part blank रहता है जो कि vacuole है, और इसे large vacuole characteristic features of plant है। इसे large vacuole देख के हमको भी पहचान आता है कि ये plant cell है। तो फिर ये blank structure होता है, इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ऑनियन सेल। ऑनियन सेल में जैसे है ऐसे एक सिंगल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लार्ज वैक्यूल्स आर कमन इन प्लांट सेल, ऐसे लार्ज वैक्यूल होना प्लांट सेल का एक कमन कैरेक्टरिस्टिक है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है पर यह छोटा होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडेस्केंसिया लीफ। तो फिर इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में कलर्ड बॉडीज होते हैं, तो फिर दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ कॉल्ड, और इसको बोलते हैं प्लास्टिड।
साइटोप्लाज्म में कलर बॉडी रहते हैं, उसको प्लास्टिड बोलते हैं। और ये प्लास्टिड बहुत से कलर्स के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो फिर जब ये ग्रीन पिगमेंट धारण करते हैं, कंटेन करते हैं, वो क्लोरोफिल है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्या है? दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। पहले तो जो पत्ता का ग्रीन कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है, यही रेस्पॉन्सिबल है लीव्स में फोटोसिंथेसिस करवाने का। तो फिर है ना बहुत ही अहम कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। इफ यू रिकॉल एक्टिविटीज 8.3 एंड 8.4, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो फिर एक्टिविटी एनिमल सेल और प्लांट सेल अब हम कंपेयर करेंगे। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली। अब प्लांट और एनिमल सेल को अच्छी तरह निहार कर आप देखिए। लेट अस स्टेबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऑनली ए फ्यू फीचर्स आर मैंशनड, यू मे एड मोर इन टेबल 8.1। तो फिर हमको यहाँ दिखाया गया है ए और बी में एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, उनका स्ट्रक्चर में क्या है। अब हम ये टेबल के जरिए और थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। तो फिर टेबल 8.1 में दिया गया है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। अब ये सेल वॉल हमने पहले से बहुत बार ये रिपीट कर चुके हैं कि सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद भी तो हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। तो फिर अब आइए देखते हैं और किसी में फर्क आता है। प्लास्टिड देखें तो प्लास्टिड जो है ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ये बस प्लांट सेल में होता है। और वैक्यूल, वैक्यूल एनिमल सेल में होता है पर छोटा होता है, और प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है। तो कंप्लीट आवर चैप्टर। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी। थैंक यू।